नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। मनमानी पूर्वक खोली गई शराब दुकान को कलेक्टर के आदेश पर हटाया गया। लग्जरी कार से पकड़ाया 5 लाख का गांजा, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, नाबालिग आरोपी हुआ गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। शहर के बीचों बीच मनमानी पूर्वक खोली गई शराब की दुकान को कलेक्टर के आदेश पर हटाया गया। बता दें कि सड़क किनारे जबरन शेड बनाकर संचालित की जा रही थी दुकान। आपको बता दें कि रीवा शहर के रसिया मोहल्ले स्थित पुराने आबकारी कार्यालय के बगल में संचालित शराब दुकान को हटाने आज आबकारी विभाग सहित नगर निगम प्रशासन, राजस्व और पुलिस अमला मौके पर पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शराब दुकान को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपको बता दें कि शराब दुकान संचालक द्वारा किए गए शासकीय भूमि अतिक्रमण को स्वयं ही हटाने के लिए कल शाम तक का समय मांगा गया है, जिस पर प्रशासन ने दुकान को हटाने के लिए कल शाम तक का समय शराब ठेकेदार के लिए निर्धारित किया है। इसके बावजूद भी अगर दुकान नहीं हटाई गई तो प्रशासन सख्ती से इस दुकान को तोड़कर सामान जब्त कर लेगा। हम आपको बता दें कि रसिया मोहल्ला देशी अंग्रेजी शराब दुकान का ठेका महालक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से हुआ है। यहाँ पर पूर्व के शराब ठेकेदारों द्वारा पुराने आबकारी कार्यालय के पीछे की ओर दुकान संचालित की जाती थी, लेकिन इस बार नए ठेकेदार द्वारा टीन सेट लगाकर दुकान को आबकारी भवन से निकालकर सड़क पर ला लिया गया, जिसको लेकर लगातार विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी और शिकवा शिकायतों का दौर जारी था। इसी बीच आज प्रशासनिक पुलिस, नगर निगम और आबकारी अमला मौके पर पहुंचा और ठेकेदार की दुकान को हटाकर पूर्व की तरह चलाने का निर्देश दिया। ठेकेदार ने दुकान को शासकीय भूमि से हटाने के लिए कल शाम तक का समय मांगा है। SDM हुजूर ने बताया कि ठेकेदार को कल शाम तक का समय दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर निर्धारित समय में दुकान नहीं हटाई गई तो सख्ती से जबरन दुकान को हटाकर पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा। प्रस्तुत है रीवा SDM अनुराग तिवारी से प्राप्त जानकारी के। ये शराब ठेका जो यहाँ पर खुला हुआ था, ये मूलतः नगर निगम के जो प्रावधान है उनके विपरीत था और साथ ही जो लैंड आवंटित है उसके भी विपरीत था ये। तो इसलिए ये इलीगल प्रीमाइसेस में बनाई हुई अस्थायी दुकान थी, जिसको आज हटवाया जा रहा है और इनको निर्देशित किया गया है कि जहां पर पहले आपकी दुकान थी, आप जो निर्धारित दुकान है चौहद्दी जिसकी निर्धारित है उसी जगह पर आप अपना ठेका चलाएंगे। और इसमें आबकारी विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा और नगर निगम विभाग के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है और इसको हटवाया जा रहा है। जब बनाया जा रहा था तो आबकारी विभाग के पहले इसमें पूर्व में इनको NOC जारी थी, वो NOC वगैरह रद्द हुई हैं, उसके बाद इसको नियम के विपरीत पाए जाने के बाद इसको हटवाया जा रहा है। और जो पुराना प्रमाइसेस है, जो इनका अनुबंध में चौहद्दी लिखी हुई है, वहीं पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। इसको हटवाएंगे, इनको मोहलत दी है कि स्वयं हटवा लें, यदि नहीं हटवाते हैं तो हम कार्रवाई करके हटवा देंगे। कितने दिन, कितने घंटे की मोहलत दी? कल शाम तक करवा लेंगे ये। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में बिन ब्याही मां ने मृत बच्ची को दिया जन्म, कई बड़े राज से उठा पर्दा। इसके पहले तक बच्ची को जन्म दिलाने वाले डॉक्टर को ही नहीं पता था कि पेट में बच्चा लिए जो लड़की भर्ती है उसकी अभी तक शादी ही नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब मृत बच्ची को लेके पुलिस ने पूछताछ शुरू की। बच्ची के पिता का नाम पूछा गया तो सब शांत हो गए। बहुत देर तक जब जवाब नहीं मिला तो पुलिस की सख्ती से किशोरी के परिवार वालों ने सब कुछ बयां कर दिया। आपको बता दें कि रीवा जिले में 17 वर्षीय किशोरी बिना शादी के ही माँ बन गई। 1 सप्ताह पहले नाबालिग लड़की श्याम साई मेडिकल कॉलेज में मृत बच्ची को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने पिता का नाम पूछा तो परिजनों ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे में पूरा मामला संदिग्ध होने पर पुलिस को खबर दी गई। अस्पताल पुलिस चौकी ने नाबालिग से उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे तो पीड़िता ने गोलमाल जवाब दिया। संदिग्ध बयानों को देखते हुए शून्य पर प्रकरण कायम कर गुड़ थाने को केस डायरी भिजवाई गई। केस डायरी पढ़ते ही पुलिस हरकत में आ गई, तुरंत पीड़िता के बयान कर मामला दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्ट भी नाबालिग बालक है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 जुलाई 2021 को 17 वर्षीय लड़का सुनसान मकान पाकर पीड़िता के घर में जबरदस्ती घुस गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी लड़के ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि यदि किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा, और वहां से चला गया। हालांकि पीड़िता अपनी मां को पूरी कहानी बता चुकी थी, लेकिन आरोपी पक्ष की धमकी से मां भी डरी रही।
फिलहाल गुड़ पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 376, 506 एवं पास्को एक्ट का अपराध कायम कर अपचारी बालक को गिरफ्तार करते हुए बाल न्यायालय में पेश कर दिया है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अभी 5 अप्रैल को संजय गांधी हॉस्पिटल में एक बच्चे एडमिट होती है और वहाँ से फिर वो एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। उस बच्ची की उम्र करीब 17 वर्ष 10 माह के आसपास थी। पुलिस थाने को सूचना जाती है, थाने वाले इसमें संज्ञान लेते हैं, उसका बच्चे से पूछताछ करते हैं। बच्ची की पूछताछ से निकल के आता है कि 2021 जुलाई में वो बच्ची जब अपने घर पर थी तो बच्ची के ही समाज का पड़ोसी लड़का है, वो भी करीब 17 वर्ष और बच्ची से 10 दिन छोटा है, तो उसने उसके साथ मैं ये हरकत की थी जिसके कारण से बच्ची प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद जब उसको पेट में कुछ दर्द वर्द हुआ तो उसकी माँ नहीं थी बच्ची को, तो पिता को बताया, पिता ने फिर पड़ोसी को बताया और उसके बाद बच्ची को SDM जिला के भर्ती किया। बच्ची को जानकारी के आधार पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया और विवेचना की, और हरकत करने वाले वो सपचारी बालक को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया था और उसको पेश कर दिया गया है, बाल संरक्षण गृह चला गया है और पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। SP के हेल्पलाइन नंबर से मिली बड़ी सफलता, लग्जरी कार से पकड़ाया तकरीबन 5 लाख कीमत का गांजा। पुलिस की घेराबंदी देखकर कार सहित गांजा छोड़कर फरार हुए आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि रीवा जिले के मनगवाना थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेव चौकी से जहां बीती रात मनगवा और गंगेव पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार को पकड़ा है जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कार सहित उसमें लोड गांजा जब्त कर लिया है, जिसे गंगेव चौकी लाकर फिलहाल कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेव चौकी क्षेत्र से जहां पुलिस ने बीती रात घेराबंदी कर एक कार को पकड़ा है जिसमें गांजा लोड था। इस पूरी कार्यवाही को लेकर SP शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती देर रात पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक ब्लैक कलर की कार में गांजे की खेप गंगेव की ओर लाई जा रही है, जिसके बाद मनगवा थाना प्रभारी DK दाहिया और गंगेव चौकी प्रभारी मनीषा उपाध्याय को घेराबंदी कर गांजा सहित कार को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। SP के मिले निर्देश के बाद मनगवा और गंगेव पुलिस ने ग्राम दुबहाई के समीप बीती रात घेराबंदी कर वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वाहन में बैठे युवक कार को अंधेरे में खड़ा कर खेत के रास्ते दौड़ लगाकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली जिसमें तकरीबन 45 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। मौके से एक ब्रेजा कार भी जब्त हुई है। पुलिस ने वाहन सहित गांजा को चौकी में लाकर कार्यवाही शुरू कर दी। वाहन नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाया जाएगा, जिसके बाद गांजा तस्कर तक पुलिस पहुंच पाएगी। बताया गया कि पकड़ी गई कार छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। गंगेव चौकी है मनगवा थाना क्षेत्र में, पुलिस को संज्ञान में आया था कि कुछ गाड़ी से कुछ गांजे की खेप इधर से उधर हो रही है। उसी तारतम्य पुलिस अपनी चेकिंग व्यवस्था कर रही थी, सर्च कर रही थी, और जब वाहन पुलिस को दिखाई देता है तो वो वाहन भगाता है और उसके बाद चालक क्या वाहन को छोड़ के चला गया। ये कार वाहन है, इसका नंबर है CG04NN3621। इस कार में 44 kg के आसपास गांजा पुलिस को ही मिला हुआ है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही, पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी कहां से आ रही थी, कुछ आइडिया? अभी इस संबंध में कोई आइडिया नहीं है, अभी पुलिस इस संबंध में जांच पड़ताल कर रही है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तरहटी मोहल्ले में घनी आबादी के बीच बने कच्चे मकान में आज दोपहर अज्ञात कारणों के कारण आगजनी की घटना हो गई। इस घटना के दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि आगजनी की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मकान मालिक ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि जल्द ही अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग की लपटें आस पड़ोस के घरों तक पहुंच सकती थी। घटना के संबंध में भवन स्वामी पन्नालाल नामदेव के पुत्र ने बताया कि वह पेशे से शिक्षक है और स्कूल गए हुए थे। आज दोपहर जब वो स्कूल से लौट कर वापस आए तो देखा कि घर से आग की लपटें बाहर निकल रही थी, जिसके बाद उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर आग को बुझाया। उन्होंने बताया कि इस दौरान आगजनी की इस घटना में घर गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके चलते अब उनके सामने
खाने पीने की समस्या भी आ गई है। फिलहाल आगजनी की घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। परिजनों द्वारा अभी तक पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई है। हम आपको बता दें कि तरहट्टी मोहल्ले में जिस स्थान पर यह आगजनी की घटना हुई है वह काफ़ी घने इलाके वाला क्षेत्र है। अगर आग में जल्द काबू नहीं पाया जा सकता तो एक भीषण आगजनी की घटना हो सकती थी। प्रस्तुत है इस संबंध में परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। किसका घर है, क्या घटना हुई है? ये हमारे पिताजी पन्नालाल नामदेव का घर है और हम उनके बड़े बेटे हैं। हमारा घर सब ज्वाइंट है। अचानक आग लग गई। हम स्कूल से लौटे, देखे तो खाना खा के वो बहुत तेज आग लगी थी। अब किस कारण से लगी है तो नहीं मालूम। अभी नहीं, हम लोग पहले आग बुझाने की कोशिश करें किसी तरह बुझ जाए तो हो गया। अब लगभग काबू में। क्या नाम है उनके भाई का, आपको जिनके आग लगी? वो मतलब दिवंगत हो गए हैं, अरविंद नाम देना। वो हमारे पिताजी के नाम पन्नालाल नाम देव है। कितना कुछ नुकसान कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या? हाँ, अंदर सामान जो था वो सब जल गया अटारी में। क्या सामान रखा था? सामान वो घरेलू सामान रहा है। अभी पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं आया। फिर भी हालांकि सूचना भी हम तो नहीं दे सूचना अभी। ये अशोक के पेड़ के पीछे तरहटी कहलाता है। नुकसान हो गया आप लोगों का? अब सब घर पर एक नुकसान है, ये मान ले। अब कुछ नहीं रही है। रीवा जिले के पिपराही क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा, बोले केंद्रीय मंत्री कुलस्ते। आदिवासी क्षेत्र पिपराही में किसान हितग्राही एवं आदिवासी सम्मेलन संपन्न, पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। रीवा जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र पिपराही में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्य आतिथ्य में किसान हितग्राही एवं आदिवासी सम्मेलन सम्पन्न हुआ। साथ ही पिपराही पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री कुलस्ते ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र पिपराही सहित सरदामन, जड़कुल तथा बीरादेई आदि का समग्र विकास किया जाएगा। पिपराही में आदर्श एकलव्य विद्यालय की स्थापना कराई जाएगी। इसके साथ ही इस अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चलित चिकित्सालय एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें चिकित्सक सहित उपचार की अन्य व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। उन्होंने कहा कि पिपराही में मनरेगा से रानी दुर्गावती के नाम से एक पार्क भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कमजोर एवं समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर दिलाए जाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो लोग प्रधानमंत्री आवास की सूची से बाहर हैं उन्हें आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल कर पक्का आवास दिलाया जाएगा। पहाड़ी अंचल में आवागमन की सुविधा के लिए मनरेगा से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही वन भूमि से अनुमति लेकर सड़क निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से कराए जाने की बात उन्होंने कही है। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, सम्मेलन के संयोजक मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एवं विधायक महुगण प्रदीप पटेल, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सीओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े सहित बहेरा, डाबर, जड़कुल, पिपराही, बीरादेई आदि आदिवासी क्षेत्र के बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से प्राप्त जानकारी के अंश। आज इस सम्मेलन में पहले तो मैं प्रदीप जी को, जनार्दन जी को बधाई देता हूं और यहां के जिला प्रशासन को कि वास्तव में प्रदीप जी ने एक ऐसे क्षेत्र का चयन किया है। उसकी विधानसभा तो है ही है, साथ साथ राही और ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और मुझे देखने का ये अवसर मिला। प्रत्यक्ष रूप से मैंने अनुभव किया यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और इसलिए कुछ चीज़ें मैंने इंगित किया है कि अगर रीवा में कोई माड़ा क्षेत्र आता है ट्राइबल का तो वो आता है आपके यहाँ के इस पिपराही क्षेत्र का। और इसलिए इस विकासखंड में यहाँ के एक मोड़ा क्षेत्र में एक हम आने वाले भविष्य में एक आदर्श विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय जो भारत में ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों में खोलते हैं जहाँ पर CBSE पाठ्यक्रम भी रहता है और लगभग आज की तारीख में उसकी 30 से 32 करोड़ रुपए की लागत, इतने बड़े स्केल में और उनकी आवासीय व्यवस्थाओं को हम पूरा करते हैं। दूसरा एक विषय यहाँ पर रानी दुर्गावती का एक पार्क बने
मैंने गार्डन इस प्रकार की कल्पना किया है। मैंने यहाँ कहा है कि सी ओ और कलेक्टर साहब को कि कोई स्थान ऐसा हो नरेगा से उसको फिलिंग वगैरह करने के साथ साथ एक पार्क का निर्माण बच्चों के खेलने के लिए, विद्यालय के बच्चे और बाकी गांव के नागरिक और बाकी कभी इस प्रकार के आप लोग आएंगे तो कोई अच्छा स्थान ऐसे बन जाए और वहाँ एक प्रतिमा निर्माण की बात हमने किया है। और एक मैंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम एक यहाँ पर चलित औषधालय एक एम्बुलेंस देने का हमने फैसला किया है और वो हम किसी योजना विशेष से करेंगे। ऐसे दो तीन चीज़ें वैसे अलग अलग क्षेत्रों में विषय आए हैं यहाँ के विकास के बारे में, कुछ रोडों के बारे में, यहाँ के आवास की योजना के लिए जितने लोग रह गए हैं। और एक बड़ी बात यह है कि लोगों ने ये भी कंप्लेंट किया कि सरकारी जो ज़मीन है उस ज़मीन में कुछ लोगों का जो प्रभुत्व है उसके लिए जांच के लिए मैंने कहा है, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद जो गरीब लोग हैं जिनके आवास नहीं बन पाए हैं तो उनको आवास के लिए कुछ अलॉटमेंट वगैरह हो और उनका स्वामित्व योजना का लाभ उनको मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता आज के इस अवसर पर हमने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि इस इलाके के लिए मेरा पहली बार आना हुआ है और शायद कभी कोई केंद्र का मंत्री नहीं आया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में और मेरा पूरा भरोसा है, मैंने आदिवासी भाइयों को कहा है, प्रदीप जी के आग्रह पर मैं यहाँ आया हूँ, तो उनको भी और इस क्षेत्र के आदिवासियों को भी लगना चाहिए कि कुछ हम उनके कल्याण के लिए कुछ योजनाओं को यहाँ पर फलीभूत कर पाएं, ये हमारा एक प्रयास होगा। मानस भवन रीवा के खिलाफ हुई गंभीर शिकायत की जाँच में व्यापक अनियमितता प्रकाश में आई है। अनियमितता की जाँच फर्म एवं सोसाइटी द्वारा की गई है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता दें कि आज स्थानीय कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान इस संबंध में अध्यक्ष व पदाधिकारियों पर वित्तीय अनियमितता सहित विभिन्न आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में बायलाज के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है। इस आशय के आरोप मानस भवन के सचिव बीरेंद्र प्रताप सिंह परिहार, कार्यकारी सदस्य डॉक्टर बिमल दुबे एवं भगवान दास थारवानी ने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाए हैं। आरोपों को स्पष्ट करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि दिनांक 4 अगस्त 2019 को जो चुनाव कराया गया है वह वैधानिक नहीं है। इसका प्रमुख कारण है सदस्यता पंजी का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाना। जब सदस्यता ही संस्था के बायलाज के अनुरूप नहीं हुई है तो चुनाव एवं वर्तमान अध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी ही अवैध है। ये भी स्पष्ट हुआ कि प्रबंधन कार्यकारिणी की कुल संख्या बायलाज के अनुसार 21 होनी चाहिए, किंतु वर्तमान अध्यक्ष द्वारा मनमानी तरीके से बिना अनुमोदन के प्रबंधन कार्यकारिणी की संख्या में 21 के स्थान पर 40 तक की वृद्धि कर ली गई। आम सभा की बैठक भी नहीं बुलाई गई है। रजिस्ट्रार के मांगने पर सदस्यता पंजी, वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, लेजर बुक, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर रसीद, किसी भी प्रकार की कोई भी पंजी नहीं दी गई जो संविधान के विरुद्ध है। सदस्यों का कहना है कि मानस भवन कार्य समिति का चुनाव फिर से कराया जाए और नई कार्य समिति बनाई जाए। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। कि उन्होंने न बिल दिया, न वाउचर दिया, न स्टॉक रजिस्टर दिया, धारा 27-28 की जानकारी नहीं दिया। जो सदस्य बना रहे हैं वो गलत सदस्य बना रहे हैं, इनको सबको निरस्त किया जाए। हाँ, ये लिखा सब लिखा है रजिस्ट्रार पंच सोसाइटी में। बहुत जबरदस्ती बने हुए हैं, जबरदस्ती रजिस्ट्रार ने तो लिख के दे दिया ना अपनी तरफ से, उन्होंने जवाब भी मांगा है। क्यों ना आपको हटा दिया जाए, आपके खिलाफ क्यों ना अनुसंधान तक कार्रवाई की जाए। वो जो हम लोगों ने दिया है आप लोगों को, वो सब रजिस्ट्रार। हम सदस्य बना करके खाली अपना चुनाव जीतने के लिए अपने अपने व्यक्तियों को हमने वहाँ पे सदस्य बना दिया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनको कहता भाई फॉर्म दो, हम भी इनको सदस्य बनाना चाहते, तो वो फॉर्म नहीं देते। अभी अभी सौ सदस्य का आता और चाहते हैं कि अध्यक्ष को हटाया जाए। 150 लोगों को हमने दस्तखत करा के दिया था लगभग। इसमें आम सभा में नहीं है, उसमें फरमान सोसाइटी ही उनको हटा सकती है। वही ना लिख के दिया हम, जहाँ जो हमने कराया था उसको उनने हमारे पास भेजा है कि मैंने इन बिल्लियों को सही पाया है, आप लोग अब इसमें क्या कहते हो। तो हम लोगों ने जवाब दे दिया है। आज उसका 18 तारीख लास्ट डेट था जवाब देने का, आज 19 हो गई तो एक महीने हो गए, एक महीने का समय हुआ था। हम तीन को, हम लोग प्रतिवादी थे डायरेक्ट, और वो ये अनुपम तिवारी को दिया हमने नोटिस और हम लोगों को भी दिया,
कि आप इसमें क्या कहते हो, तो हम लोगों ने जवाब दे दिया कि जो हमने हमारे जो आपने जांच किया है वो सही है, उसका निर्णय किया जाए। मतलब अब फिर से अध्यक्ष पद की चुने जाएंगे फिर? हाँ, लिख के दिए उन्होंने, फिर तैयारी में है, 100 सदस्य नए बना रहे हैं वो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सामान्य व्यक्ति मांगने जाता है तो उसको फॉर्म ही नहीं देते। और जो सदस्य बन गए अब उनका क्या होगा? उनका सदस्य जब गलत है तो उनको निकाला जाएगा, कोई भी होगा, निरस्त किया जाए, और उसको जो है निरस्त होना चाहिए, उसका मतलब इस तरह से होना नहीं चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।